हाँ जी बताइए, सभी मॉक टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों को। जो टेस्ट सीरीज है वो उसको मैंने ऐड कर दिया है कोर्स के अंदर, सो नाउ यू कैन सी ऑल द मॉक टेस्ट, जिसमें आपका PYQ भी है यूनिट वाइज, और PYQ जो है ईयर वाइज भी है। इसमें आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 15 होंगे लगभग, ठीक है। यहाँ से 1500 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो जाएंगे। एक करंट अफेयर का भी होगा, एक मॉक टेस्ट, उसको अपडेट कर देंगे, वो थोड़ा पुराना होगा। इसके अलावा कुछ MCQ भी होंगे, तो बहुत सारा है। आप लोग अच्छे से देखिए उनको, मतलब मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। जैसे यूनिट वन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यूनिट वन का आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। यूनिट सेकंड का भी अभी तो सब दिख रहा होगा, तो यू कैन सॉल्व यूनिट सेकंड थर्ड, ओके। और साथ साथ सर हिंदी, हाँ हिंदी में मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो उसमें हिंदी में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये पहले से बने हुए हैं इंग्लिश वाले, तो अभी जैसे आज तो क्लास हो गया, कल क्लास नहीं होगा, तो कल मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, यूनिट सेकंड का और यूनिट थर्ड का, ठीक है। सो हो रहा है सर, बट कब से कर सकते हैं स्टार्ट PYQ का करना? देखो अभी हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग यूनिट वाइज सॉल्व करिए, है ना। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो अभी आप जो मॉक टेस्ट है उसमें जो यूनिट वाइज PYQ है उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैं PDF शेयर करता हूँ, जो MCQ की PDF होती है, जैसे यूनिट वन का मैंने शेयर किया हुआ है, सेकंड का किया हुआ है, थर्ड का भी कर दूंगा, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं MCQ PDF के अंदर, उनको भी आपको सॉल्व कर लेना है। जो MCQ है वो टोटली बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन दैट वी डिस्कस इन द क्लासरूम, तो क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उन्हीं पर आधारित होते हैं वो MCQ, या जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्लास के अंदर। जैसे चार ऑप्शन में चारों को ऑप्शन एक्सप्लेन किया, तो जो चार ऑप्शन होंगे उन पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं MCQ में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो MCQ से आपके रिवाइज हो जाएगा जो कुछ क्लास में है, और जो PYQ है उससे आपका रिविजन होगा थ्योरी का। ऐसे करके यूनिट वाइज आप लोग पढ़ते जाइए। 1 मिनट। ठीक है, सो अभी आप लोग यूनिट वाइज फोकस करिए। जैसे ही हमारी यूनिट यूनिट 5 तक हो जाएगी, टिल यूनिट 5, देन यू कैन स्टार्ट ईयर वाइज क्वेश्चन, क्योंकि कम से कम आप 50% तो सॉल्व कर पाएंगे पेपर, है ना। तो कोई भी पेपर यूनिट, जैसे कि ईयर वाइज होगा 2023 का या 2022 का, कोई भी उसको मॉक टेस्ट को ओपन करिए और सॉल्व करना। या जिन जो लोग दोबारा ज्वाइन किए हैं कोर्स, इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं पूरा कंप्लीट, तो वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अभी यूनिट वाइज भी फोकस करना है। वंस वी कंप्लीट टिल यूनिट 5, देन यू कैन स्टार्ट अ फुल क्वेश्चन पेपर, वेदर फ्रॉम दी मॉक टेस्ट और दिस वन। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर सकते हैं या फिर ईयर वाइज कर सकते हैं। क्लियर है? इट क्लियर टू ऑल? यस। सो वी हैव डिस्कस दिसंबर क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर फ्रॉम यूनिट 3 एंड ऑल्सो फ्रॉम जून 2023। नाउ कुछ पुराने क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे पहले। ये दिसंबर का क्वेश्चन है 2018 का, इसको पढ़िए, आंसर आंसर दीजिए। सर मेरा ज्वाइन लेट, थोड़ा लेट हुआ है, क्या आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बारे में बोल सकते हैं? नहीं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो उसमें है, आपको मतलब सॉल्व करना है, बट अभी मत करना जब तक आपका आधा सिलेबस ना हो जाए। सी कर तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे पूरा क्वेश्चन पेपर ना। सो इट इज बेटर कि फोकस करिए यूनिट पे, अच्छे से तो पढ़िए 4-5 यूनिट डिटेल में, देन स्टार्ट मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन यूनिट पर ईयर वाइज। हिंदी सोशल वर्क, सोशल केस वर्क यहाँ पर बात कर रहे हैं, सोशल केस वर्क प्रैक्टिस, ओके। एंड सभी लोग आंसर देंगे प्लीज चैट बॉक्स के अंदर, एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि
इसको। क्या क्वेश्चन है? इन दी सोशल केस वर्क प्रैक्टिस, जब हम सोशल केस वर्क प्रैक्टिस करते हैं तो द एबिलिटी ऑन दी पार्ट ऑफ द सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर क्या क्या आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए टू परसीव द इंडिविजुअल्स क्लाइंट एज अ यूनिक पर्सन बियॉन्ड द कंपेरिजन इज द प्रिंसिपल। इसमें पूछ रहे हैं कि सोशल केस वर्क में जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें एक सोशल वर्कर की एक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, और जिसके माध्यम से वो पर्सन को, क्लाइंट को जो है परसीव करता है एक यूनिक तरीके, यूनिक पर्सन की तरह, कि हर एक पर्सन जो है अलग है, और ये जो प्रिंसिपल है सोशल केस वर्क का कौन सा है? एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअलाइजेशन, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर हिंदी में है, इसको आप हिंदी में देख सकते हैं। ओके, फेलिक्स के द्वारा कुछ सेवन प्रिंसिपल दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है, जो कि यहां दिया हुआ है आंसर, कुछ इसका आंसर यही होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ प्रिंसिपल ऑफ पर्पजफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, ये सोशल वर्कर को जो मौका देना चाहिए पर्सन को कि अपनी अपनी जो भावनाएं हैं उसको सही तरीके से व्यक्त कर पाए, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, किसी भी रूप में हो। द पर्सन हियर द नीड फ्रॉम द सोशल वर्कर दैट द पर्सन कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल, और क्या है, इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सोशल वर्कर को यहाँ पर क्लाइंट के साथ जो है इन्वॉल्व होना है बहुत ही बैलेंस तरीके से, बैलेंस वे में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना है, क्योंकि ये जो रिलेशन है बहुत ही प्रोफेशनल है, पर्पजफुल रिलेशन है। सो यहाँ पर सोशल वर्कर को इमोशनली इन्वॉल्व होना है बट बैलेंस रूप में, उसको सुनना है अच्छी तरीके से, उसको लगना चाहिए कि दिस पर्सन जो है इंटरेस्टेड है सुनने में, और इतना भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि अपनी भावनाएं जो बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं करना है, क्योंकि क्लाइंट और सोशल वर्कर का रिश्ता बहुत ही प्रोफेशनल होता है, उसकी हेल्प करनी है आपको, उसकी समस्याओं को सॉल्व करना है। तीसरा नेक्स्ट स्टेप फोर्थ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की भावना जो है, जो प्रिंसिपल है फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जो जो पर्सन जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना, क्योंकि हर एक क्लाइंट अलग होगा तो उसको उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वो है, तो उसकी जो अच्छाइयां बुराइयां हैं ये सभी चीजों को देखते हुए, यू हैव टू एक्सेप्ट एज ए सोशल वर्कर द पर्सन एज ही और सी इज। फिफ्थ नंबर है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, किसी प्रकार का पहले से पर्सन को जज नहीं करना, जैसे कि एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर ये नहीं देखता ना पेशेंट किस कलर का है, इसकी हाइट कितनी है, कौन सी कास्ट का है, ये सब चीजें, मतलब पहले से, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, कोई कोई क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, तो अपनी बातें बताते बताते रोने लगता है या फिर सही तरीके से बोल नहीं पाता है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का जजमेंट या इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करना है फ्रॉम द सोशल वर्कर टुवार्ड्स द क्लाइंट, थोड़ा उसको समझना है, फिर धीरे धीरे करके उसको हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे की चीजें, जैसे पहली बार आप उसको देखेंगे तो किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस या जजमेंट क्रिएट नहीं करना है। तो जनरली जैसे लोग करते हैं किसी को देख करके उसके बारे में एक ख्याल बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जज करते हैं, इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, तो एज ए सोशल वर्कर यू हैव टू फॉलो दी नॉन जजमेंटल एटीट्यूड प्रिंसिपल। सिक्स नंबर सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब होता है कि द क्लाइंट द बेनिफिशियरी हैज द राइट टू चूज, तो उसके लिए कौन सी सर्विसेज सही होगी, जो सर्विस दी जाती है सोशल वर्कर के द्वारा, और उसके पास अधिकार है, और ही हैज द फ्रीडम एंड ही हैज द राइट टू चूज व्हाट इज द राइट फॉर हिम और हर। सोशल वर्कर यहाँ पर केवल उसको हेल्प करेगा, मदद करेगा, उसको गाइड करेगा, मेंटोर करेगा, ना कि किसी प्रकार का इम्पोजिशन ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट के द्वारा शेयर की जा रही है सोशल वर्कर के साथ, सो उसको जो है सीक्रेट रखना है, शेयर नहीं करना है जब तक कि जरूरत ना हो, जैसे कि रेफरल होता है तो रेफरल में जरूरत पड़ती है तो विद द कंसेंट फ्रॉम दिस क्लाइंट दी सोशल वर्कर कैन शेयर विद द थर्ड पार्टी, ठीक है। दीज आर द सेवन प्रिंसिपल गिवन बाय दी फेलिक्स मिस्टेक, इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है सभी को? बताइए। जैसे इसमें लिखा है ना, इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि सिंपल है कि किसी प्रकार का आप जो है कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो सब कोई अलग होता है ना, तो पर्सन एक अलग होगा, यूनिक होगा, उसको उसी रूप में परसीव करना है, एज ए सोशल वर्कर आपका ही जिम्मेदारी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। आप एजम्पशंस के बारे में पूछ रहे हैं कि सोशल केस वर्क के जो एजम्पशंस होते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, मतलब आई थिंक फर्स्ट क्लास में इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। सोशल केस वर्क की कुछ अजम्पशंस दी गई थी किसके द्वारा? हैमिल्टन के द्वारा। जैसे इसमें लिखा है कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो पहला वाला होगा सही है। इसका मतलब होता है कि एक क्लाइंट है जिसको हम इंडिविजुअल बोल सकते हैं, सोसाइटी मतलब उसके आसपास का सराउंडिंग्स, फैमिली हो सकती है, प्लीज म्यूट करिए, उसके आसपास का सराउंडिंग है ना, फैमिली डायनेमिक्स होगा, कम्युनिटी होगी, अगर कोई स्टूडेंट है तो कॉलेज भी जाता होगा, स्कूल जाता होगा, तो वो भी उसका सराउंडिंग्स हो गया, तो आपस में वो जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है कि फैमिली के अंदर रहने वाला पर्सन के ऊपर फैमिली की जो डायनेमिक्स होती है, उसके डिफरेंट रोल होते हैं, उसका भी इम्पैक्ट होता है हर एक इंडिविजुअल। तो जब भी काउंसलिंग दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट को, तो देखा जाता है कि ये जो सोसाइटल इन्फ्लुएंस है, जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है किसी भी पर्सन के पर, उसके बिहेवियर पर, उसको भी अंडरस्टैंड करना होता है, उसको भी समझना होता है, तभी सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उसको काउंसलिंग या इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो आपस में दोनों जुड़े होते हैं, इंडिविजुअल का सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस होता है, और सोसाइटी ऑल्सो इंडायरेक्टली कनेक्टेड विद द पर्सन। तो ये आपका एजम्पशन हैमिल्टन के द्वारा दिया गया। सेकंड, इसमें वेरियस ऑपरेटिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, तो इज इट राइट और रॉन्ग? ओके, तो ये भी आपको सही है। वेरियस ऑपरेटिव फैक्टर इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, किसी पर्सन का बिहेवियर को, एटीट्यूड को, जो मल्टी बोल सकते हैं, मल्टी फेस नेचर होता है पर्सन का, और बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर को सेव करने में, है ना, या पर्सन जो है किसी वजह से इसमें लिखा है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिहेवियर को और एटीट्यूड को। बिल्कुल हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है, या जहाँ पर वो जॉब करता है कोई पर्सन तो वो भी फैक्टर हो सकता है, कोई अगर स्टूडेंट हो कहीं पर पढ़ाई करता है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। थर्ड है, प्रॉब्लम आर साइकोलॉजिकल एज वेल एज द इंटरपर्सनल इन द नेचर, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है या फिर इंटरपर्सनल हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। नेक्स्ट, इसमें सोशल केस वर्क इनेबल इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू चैनलाइज एनर्जी एंड कैपेबिलिटी इन अ पॉजिटिव वे। तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। साइकोलॉजिकल आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम में, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऐसे अराइज नहीं होती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बाहरी हो सकते हैं, आंतरिक हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको भी असेस करना होता है, समझना होता है, इन ऑर्डर टू डेवलप वेरी इफेक्टिव इंटरवेंशन प्लान टू द क्लाइंट। हाँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट है, सोशल केस वर्क इनेबल इंडिविजुअल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू चैनलाइज एनर्जी एंड कैपेबिलिटी इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या है, सोशल केस वर्क प्रोवाइड इक्वल राइट टू एवरीबडी एंड रीच आउट टू एवरी नीडी एंड ट्रूबल पर्सन। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बताइए, अब देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होगा। आपको ये देखना है कि ऑप्शन जो है इस प्रकार से दिए हैं कि 3 में 5 है, और तो आपको ये देख लेना 5 सही है कि नहीं। अगर 5 सही है इसका मतलब ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, ये तो ठीक है अभी देखा तो ये ऑप्शन गया। आपको देखना है कि 4 कॉमन है तीनों में, मतलब 4 आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन है मतलब सही होगा। 3 भी कॉमन है, थर्ड नंबर का स्टेटमेंट आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन है इसका मतलब सही है। आपको देखना है कि 1 और 2। अब देखो 2 बज आपके यहाँ पर ऑप्शन बचे, ठीक है। अब आपको देखना है सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड कॉमन है, अगर सही होगा तो दोनों में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको पहला फर्स्ट वाला देख लेना, फर्स्ट है सही है कि नहीं। फर्स्ट तो सही है, एक ही ऑप्शन में फर्स्ट है इसके साथ, तो ऐसे करके आपका 5th नंबर करेक्ट हो गया। तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है कभी कभी, जहां पर मान लीजिए 5 स्टेटमेंट है, आपको 5 में से 2 ही समझ में आए या 3 समझ में आए, तो वहां पर आप ऐसे करके एलिमिनेट मेथड यूज कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट एलिमिनेट ऑप्शंस इजिली एंड मार्क द राइट आंसर इवन। ऐसे भी या तो आगे स्टार्ट कर सकते हैं, पहला वाला आपका करेक्ट है तो पहले वाले केवल 2 ही ऑप्शन है, बाकी में नहीं है तो बाकी आप हटा सकते हैं। अब इसमें देखो कि इसमें 4 है, इसमें 5, मतलब 5 दोनों में से एक सही हो सकता है। 5 सही है कि नहीं देख लो यहाँ से, 5 भी करेक्ट है, मतलब 2 ही आपने ऑप्शन देखे और आंसर यहाँ से मार्क कर दिया। ऐसे करके जो है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोफेशन ऑफ सोशल वर्क इज अ हेल्पिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन। विच ऑप्शन विल बी राइट, एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए चैट बॉक्स में। सुशील कुमार ए, संजीव ए, ओके। और जो लोग आंसर दे रहे हैं प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर, देन राइट द आंसर, तो पता चलेगा ना कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया आपने। ओके सी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो ऑप्शन आप देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, और प्रोफेशन ऑफ सोशल वर्क इज हेल्पिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन, ये ठीक है कि सामाजिक कार्य के माध्यम से हम सहायता प्रदान करते हैं, एक गतिविधि है जो कि आधारित है किस किस पर, ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी पर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारा फोकस होता है कि हर एक इंसान के पास अधिकार है जीने का, है ना। तो सोशल वर्क की जिम्मेदारी है कि उसकी जो भी नीड है या जो भी चैलेंज फेस कर रहा है उसको ओवरकम करे, उसकी नीड है वो उसकी फुलफिल हो। तो एक ह्यूमैनिटेरियन या मानवतावादी दर्शन या सिद्धांत फिलोसफी पर आधारित है। तो पहला वाला ठीक है कथन, दूसरा है साइंटिफिक नॉलेज। अब चूंकि हम सोशल वर्क पढ़ रहे हैं, अब प्रोफेशनल सोशल वर्क है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज हम यूज करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, अप्रोचेस पढ़ते हैं, और उसका तो कहीं ना कहीं हम तभी सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी की उनको सही तरीके से अन्वेषण कर पाते हैं, जैसे कि सोशल वर्क रिसर्च है, मेथड है। ओके, तो उसके माध्यम से हम समस्याओं को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, देन उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, देन बी इम्प्लीमेंट एनी प्रोग्राम और एनी इनिशिएटिव वी टेक। तो कोई भी सोशल प्रॉब्लम है उसके कॉज को फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी हमको रिसर्च भी करनी पड़ती है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से हम समस्याओं को सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग द साइंटिफिक, वी आर यूजिंग द साइंटिफिक नॉलेज। तो सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 ऑप्शन किस किस में ये वाला ऑप्शन गया। टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल सोशल वर्कर के पास होती है, स्किल्स होती है, उसके पास नॉलेज होता है, उसके माध्यम से वो इंटरव्यू करता है, काउंसलिंग देता है या मैनेजमेंट करता है, वो ग्रुप बनाता है। तो ये सभी की सभी स्किल्स होनी जरूरी होती है, वैरायटी ऑफ स्किल्स द सोशल वर्कर शुड हैव। सो ऑल दीज 3 आर द बेस, वी कैन से विच इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल स्किल्स आल्सो। तीनों करेक्ट हो जाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। 4th नंबर गलत है क्योंकि यहाँ लिखा है
कि प्रोवाइडिंग अग्रेसिव लीडरशिप। देखिए अग्रेसिव लीडरशिप ठीक है मतलब, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है सोशल वर्क में कि आप एज ए सोशल वर्कर अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दर्शा सकते। यू कैन बी असर्टिव इन ऑर्डर टू जस्ट एडवोकेट द क्लाइंट और सम इस तरीके से, लेकिन आप असर्टिव हो सकते हैं लेकिन अग्रेसिव नहीं हो सकते बिकॉज दैट इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। ओके तो ये गलत है, क्लियर है। बाकी के ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा है। केस वर्क मस्ट टेक ऑल एंड एवरी फैक्ट दैट इज टेकन टुगेदर थ्रू लॉजिकल एंड इन्फ्रेंशियल रीजनिंग, तर्कों के आधार पर और तर्क के माध्यम से सभी तथ्यों को शामिल करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। पढ़िए इसको, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। ओके क्या आंसर होगा। पहला इसमें स्टेटमेंट दिया है, असम्पशन दिया है कि केस वर्कर मस्ट टेक ऑल एंड एवरी फैक्ट दैट इज टेकिंग टुगेदर थ्रू दिस लॉजिकल और द इन्फ्रेंशियल रीजनिंग। तो लॉजिकल और देखिए इन्फ्रेंशियल रीजनिंग मतलब होता है कि अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस बनाना। जैसे कि एक डॉक्टर अनुमान लगाता है ना, पेशेंट बताता है उसको जरूर है लेकिन वो भी अपने हिसाब से अपने नॉलेज के अनुसार जो उसके पास नॉलेज है एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से अनुमान लगाता है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो लॉजिक और इन्फ्रेंशियल रीजनिंग के माध्यम से हम पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एज ए सोशल वर्कर फ्रॉम द क्लाइंट इन दी सोशल केस वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, इसके माध्यम से जैसे क्लाइंट है कोई तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी बैकग्राउंड को जानना, उसकी हिस्ट्री को समझना, करंट क्या सिचुएशन है, करंट में क्या प्रॉब्लम्स है, किसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस सब चीज़ों को जो है नॉलेज के माध्यम से भी, लॉजिक के माध्यम से, और हमारे पास जो अनुभव होता है उसके माध्यम से अनुमान लगाते हैं क्लाइंट के बारे में। तो पहला वाला कथन सत्य है, उसके माध्यम से हम सभी वी कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन एवरी फैक्ट। रीजन लिखा है कि लॉजिकल रीजनिंग वुड रिवील द क्लाइंट पर्सनालिटी एंड हिज हर सिचुएशन फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। देखिए अप्रोप्रिएट एक्शन कब ले पाएंगे, जब हम सही तरीके से लॉजिकल तरीके से डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी सोशल वर्क क्लाइंट की, तो जो लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है क्लाइंट के बारे में, उसके माध्यम से पर्सन की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं प्रेजेंट अवस्था उसकी क्या है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, ड्रग एडिक्टेड है, क्लाइंट कोई भी है, मतलब मान लीजिए कोई क्लाइंट है वो स्ट्रगल कर रहा है विद एडिक्शन, तो ऐसे ऐसे केस में क्या करेंगे, सोशल वर्कर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जो भी उसके बारे में, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, ओके, और कब से वो एडिक्टेड है वो टाइम पूरा, ओके, बाकी के क्या सपोर्ट सिस्टम कैसा है उसका, पैसा कहाँ से आता है, फैमिली मेंबर में सब लोग या मतलब कहाँ से, या फ्रेंड सर्कल है उसका किस टाइप का, क्यों एडिक्टेड है, वो सभी चीज़ जानना, करंट सिचुएशन की उसकी क्या है उसको जानना, इसके माध्यम से ओवरऑल ओवरले काइंड बोल सकते हैं कि प्लान तैयार करते हैं कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ताकि क्लाइंट को जो है हम एडिक्शन से ओवरकम करा सकते हैं, रीएडिक्ट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ दिस एग्जाम्पल विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके माध्यम से हम उसकी सिचुएशन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक सही एक्शन तैयार करते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं और उसके माध्यम से उसकी समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। एडिक्शन वाले बोलते हैं हाँ, तो वो तो उनका काम है ना। सी जितने भी एडिक्शन वाले जो अगर झूठ बोल रहे हैं तो जो डॉक्टर होगा जिसके पास आते होंगे, जो काउंसलर है, काउंसलिंग देता होगा, तो वो उसके पास भी तो नॉलेज है उस ऐसे लोग डेली उसके पास 10 लोग आ रहे हैं, उसको पता है कि ट्रेंड क्या है, क्या चीजें झूठ बोलते हैं, नॉर्मल चीजें पता होता है सबको, है ना, कि ये सभी पेशेंट एक ही प्रकार का पैटर्न डेवलप करते हैं झूठ बोलने के लिए। तो दे काउंसलर तो दे नो वेरी वेल,
दे ऑलरेडी दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव नॉलेज, दे आर डीलिंग विद एवरीबडी इन डेली बेसिस, तो उनको पता होता है कि कौन सी बात इसने सही बोली, कौन सी गलत बोली। ओके तो दोनों ही सही लिखा है, और ये जो है आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो बात की थी लॉजिकल रीजनिंग की, वो उसका इसका यहाँ पर उन्होंने रीजन दिया है कि लॉजिकल रीजनिंग से हम जो है पर्सन की पर्सनालिटी समझ सकते हैं। क्यों हम डेटा कलेक्ट करेंगे रीजनिंग के साथ? क्योंकि उसके माध्यम से हम पर्सन के बारे में जानेंगे, उसकी पर्सनालिटी को समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके रिगार्डिंग सही एक्शन प्लान तैयार करके देंगे। इसी वजह से रीजन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या आंसर होगा? यहाँ पर एक टर्म दी गई है, एम्पथी। एक एम्पथी होती है टर्म, एक होती है सिंपथी। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए आंसर दीजिए। मानव मंगल शोएब का ए बी ए क्या लिखा है कि टू बी इम्पैथेटिक सोशल वर्कर नीड नॉट पुट असाइड देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है उसको साइड नहीं करने की जरूरत है अगर हमको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। सो इन द केस ऑफ एम्पथी, सी दो टर्म होती है, एक आपका सिंपथी होता है, एक एम्पथी होता है। सिंपथी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्म? एनीबॉडी? बताइए। एम्पैथी मीन्स टू बी इन देयर शूज। ओके हाँ ये ठीक है। किसी के साथ जो है आप, एम्पैथी मीन्स यू इज अ फीलिंग विद समबडी, और सिंपैथी मीन्स यू आर फीलिंग फॉर समबडी। हाँ सेम फील करना, उसको एम्पैथी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप सेम फील कर रहे हैं उसके, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, स्वयं के लिए सिंपैथी, एम्पैथी अदर के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंपथी दूसरे के लिए भी हो सकती है ना। जो आप सिंपथी सिंपल मीन्स इज अ फीलिंग फॉर समवन, किसी के लिए आप सिंपथेटिक हो सकते हैं, और एम्पथी का मतलब होता है कि यू आर फीलिंग विद समवन, उनके साथ। इसका मतलब यही हुआ कि आप दूसरे की जो भावनाएं हैं उनके हिसाब से, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अनुसार आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि दूसरे के पैर में जूता रखना है, या मतलब सॉरी पैर रखना, उसका मतलब क्या है कि हम उनके जैसे बन रहे हैं, उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रेजेंट टाइम वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस चीज को हम जो है समझते हैं, फील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बोलते हैं एम्पैथी। सो एम्पैथेटिक होना, सो एम्पैथी इज अ फीलिंग टू अंडरस्टैंड अदर सिचुएशन एंड इमोशंस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द एम्पैथी। सो एम्पैथी मीन्स होता है कि हम फील करते हैं दूसरे के लिए। ठीक है, हाँ, फीलिंग पिटी और फीलिंग शोइंग कंपैशन, दैट इज अ सिंपैथी। और हम दूसरे के लिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव से, वो कैसे दुनिया को देख रहा है, वो चीज़ों को कैसे देखता है, उसके अनुसार, उसके पर्सपेक्टिव से हम दुनिया को देखते हैं या उनकी समस्याओं को समझते हैं, फील करते हैं, तो वो आपका आएगा एम्पथी के अंदर। तो इसमें लिखा है कि हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साइड करने की जरूरत नहीं है जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा पहले वाला का?
ये इज इट रॉन्ग और राइट टू बी इम्पैथिक सोशल वर्कर नॉट नीड नॉट पुट असाइड देयर पॉइंट टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, दूसरे के नजरिए से हमको देखना है, तो हम अपना नजरिया तो साइड करेंगे तभी देख पाएंगे। सिंपथी में हो सकता है कि हम अपना हमारा जो नजरिया है वो रहेगा और हम उसको सिंपथी शो कर सकते हैं, उसके लिए हम कंपैशन शो कर सकते हैं, बट व्हाट वी हैव जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा रहेगा। लेकिन जब आप एम्पैथेटिक होते हैं मतलब उसके हिसाब से सोच रहे हैं, उसके हिसाब से समझ रहे हैं चीज़ों को, उसका जो व्यू है चीज़ों को लेकर के आप उसके अनुसार देख रहे हैं, तो जो अपने पैर अपना पैर जो है दूसरे के शूज में रखेंगे तो फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इसी वजह से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो सकता है। दूसरा है कि बीइंग सेंसिटिव टू अदर पर्सन पर्सपेक्टिव मेक सोशल वर्कर मोर एम्पैथेटिक। हाँ, दूसरे के प्रति आप ज़्यादा सहानुभूति दिखाएंगे, सेंसिटिव होंगे दूसरे के पर्सपेक्टिव लेकर के, तो आपको सोशल वर्कर ज़्यादा एम्पैथेटिक होगा। ठीक है, ये तो सही है, मतलब तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलिए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? सर रिपीट कर दीजिए। देखिए, रिपीट का इसमें कुछ है नहीं, सिंपथी का मतलब होता है हम दूसरे के लिए फील करते हैं, मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर के वो हमारा रहेगा, लेकिन हम दूसरे के लिए कंपैशनेट शो हो जाते हैं, थोड़ा सा पिटी शो करते हैं, मतलब दूसरे के दुख में जो है भागीदार हो जाते हैं। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है कि हम उसकी तरह देखते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है आपका, कोई दोस्त है ना, वो मान लीजिए किसी कोई भी दोस्त है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके साथ बैठेंगे, उसके बाद सुनेंगे, उसको पता है, आपको पता है कि उसकी फैमिली कैसी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हर चीज आपको पता है, तो आप उसकी तरह सोच रहे हैं, पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू साइड कर देंगे ना थोड़ी देर के लिए, आपको लगेगा कि मेरा दोस्त है, इसकी ये प्रॉब्लम है तो हमको इसको संभालना है, सॉल्व करना है, तो आप उसके अनुसार सोचेंगे, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है तो आपको पता है, तो फिर आप हर चीज को उसी के नजरिए से देखेंगे कि उसको ये समस्या क्यों हो रही है, तो फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप साइड करेंगे, उसके हिसाब से चीजों को देखेंगे, मैनेज करेंगे या सॉल्व करेंगे। इसको बोलते हैं एम्पैथी, एम्पैथेटिक होना, दूसरे के शूज में अपना पैर रखना, फिर आप उनके हिसाब से चलेंगे, तो इसी वजह से आपका पहला वाला जो असम्पशन है वो गलत हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि एम्पैथेटिक सोशल वर्कर नीड नॉट पुट असाइड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साइड रखने की जरूरत नहीं है जब हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। उसमें सर यस प्लीज। या ये एम्पैथेटिक मीन्स यहाँ पे सहानुभूति लिखा है, बट इट इज समानुभूति। हिंदी सी में भी जो क्वेश्चन है दिस इज सहानुभूति, बट उसको समानुभूति बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, देखो इसमें जो ये जो हिंदी में लिखा है ना, ये मैंने उसको कन्वर्ट करके डाला हुआ है, मतलब एक एक चीज तो मैंने इसमें नहीं चेक की होगी हिंदी वाले में, जैसे कि आप इंग्लिश से कन्वर्ट करते हैं हिंदी में ना, तो इंग्लिश में जो भी उसमें जो चीज़ आती है ठीक है वो इसमें अपलोड कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, उसमें एक एक चीज़ तो नहीं चेक कर पाता, बट उसका मतलब देखिए सहानुभूति जनरली हम सिंपथी को बोलते हैं, ठीक है, तो वो सहानुभूति यहाँ ठीक नहीं है, बट समानुभूति होगा। ठीक है, किसका क्वेश्चन था? यस सर, दो जो गूगल को मतलब गूगल से जो कन्वर्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें त्रुटि होती है, गलतियां होती हैं, अब हिंदी में क्या है कि आपको पूरा सब कुछ हिंदी में लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तभी करेक्ट आता है, तो इसी वजह से क्वेश्चन में हिंदी डाल देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए जो हिंदी वाले हैं, बाकी मैं बोलता हिंदी में हो तो उस चीज़ समझ में आ जाएगी सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। करेक्ट, ओके, चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन दी सोशल केस वर्क प्रैक्टिस। सोशल केस वर्क प्रैक्टिस में आपको सही क्रम में लगाना है।
आई थिंक ये सभी का करेक्ट होना चाहिए। किसके द्वारा दिए गए चारों के चारों 4P? पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस। गिवन बाई H.H. पर्लमैन। उनके द्वारा दिए गए। पर्सन का मतलब होता है क्लाइंट, जो पर्सन है जिसको, या हेल्प सीकर जिसको हेल्प की जरूरत है। ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब होता है इसी क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है वो एजेंसी जिसके माध्यम से उसको हेल्प या सपोर्ट दिया जाएगा, मदद की जाएगी, वो आपकी प्लेस हो गया। प्रोसेस का मतलब होता है कि जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो स्टेप्स सोशल वर्कर और क्लाइंट मिलकर के लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सभी आपके प्रोसेस के अंदर है। ठीक है। तो ये 4P के नाम से फेमस होता है, 4P ऑफ पर्लमैन। इसको सही क्रम में रखना है यार, पर्सन के बाद प्रॉब्लम, पर्सन और उसकी समस्या, उसके बाद प्लेस, फिर प्रोसेस। इसलिए इनके द्वारा बोला गया है क्लाइंट है अ पर्सन विथ प्रॉब्लम, विथ अ प्रॉब्लम कम्स टू अ प्लेस वेयर प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव या सोशल वर्कर हेल्प हिम और बाय अ गिवन प्रोसेस। तो पर्सन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, प्लेस हो गया और प्रोसेस हो गया, चारों हो गए।